विदेश में नौकरी के नाम पर 100 से अधिक लोगों के साथ हुई ठगी। भाईंदर पूर्व के जेसल पार्क परिसर में ईगल प्लेसमेंट सर्विसेज नामक कंपनी ने विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 100 से अधिक लोगों के साथ ठगी का मामला सामने आया है। भाईंदर पूर्व के जेसल पार्क में चल रही ईगल प्लेसमेंट सर्विसेज नामक कंपनी ने विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 100 से अधिक लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी ठगी का शिकार बनाया और सोशल मीडिया के जरिए ही अलग अलग प्रदेश में महाराष्ट्र के भाईंदर शहर में नौकरी की लालसा लोगों को खींच लाई और अपनी जमा पूंजी कंपनी को दे दी। और जब नौकरी देने का समय आया तो कंपनी के मालिक ने सब लोगों के पासपोर्ट अपने पास ले लिए और दूसरे ही दिन ऑफिस को ताला लगाकर गायब हो गए। अपने साथ ठगी हुई इस बात का एहसास जब लोगों को हुआ तब उन्होंने नवघर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, मगर हमेशा की तरह नवघर पुलिस का आम आदमी के लिए सुस्त होने की वजह से 3 दिन से ये सारे पीड़ित स्थानीय विधायक गीता जैन के पास गए। लोगों के साथ हुई ठगी और पुलिस के सुस्त रवैये को देखते हुए विधायक गीता जैन खुद नवघर पुलिस थाने पहुंची और लोगों की शिकायत लेने के लिए पुलिस को अपने अंदाज में समझाया और साथ ही साथ मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्त से उन पुलिस अधिकारियों की शिकायत की जिसने पीड़ितों की फरियाद नहीं सुनी, उन पर कार्रवाई करने की मांग की। मैडम, क्या माजरा है? सब आपके ऑफिस कार्यालय में इकट्ठा हुए थे, इनके साथ बड़ा फ्रॉड हुआ है। देखिए, ये सब आज ऑफिस में आए थे अभी 1.5 घंटे पहले, तब मालूम पड़ा कि भारत के अलग अलग जगह से है, कोई केरला से है, कोई पंजाब से है, कोई कहीं से है। तो एक बहुत कॉमन चीज जो थी इन सब के प्रॉब्लम में कि यहाँ एक मीरा भाईंदर की एक ऑफिस में उनको उनके पासपोर्ट जमा किए गए, उनको कहा गया कि आपको प्लेसमेंट इराक, ईरान, साउथ अफ्रीका वैसे दे रहे हैं। उनको बाकायदा बताया गया कि ये वैकेंसी यहाँ है और आपको दिया जाएगा। उनको वीजा भी भेजा, सबको अपना अपना वीजा भेजा और बोले कि आप टिकट भी भेजा, टिकट भेजा उन्होंने फ्लाइट का कि ये टिकट आपकी है। इन लोगों ने सबने ऑनलाइन चेक किया कि टिकट है हमारी, तो है टिकट। फिर आज सुबह 5 बजे की फ्लाइट थी, उसके 2 घंटे पहले उसको कैंसलेशन मार के रिफंड लिया गया। यानी उनको कितनी प्लानिंग के साथ उनको फंसाया गया, उनको टिकट दी गई, उनको वीजा दिया गया, ये प्लेसमेंट है ऐसा लेटर दिया गया उनको, उस कंपनी का लेटर भी दिया गया कि आपको यहाँ यहाँ आपको जॉब मिल रहा है, और उनके ओरिजिनल पासपोर्ट उन लोगों ने ले लिए। आज ये जो सब खड़े हैं उन सब के ओरिजिनल पासपोर्ट उसके पास है, वो ऑफिस के शटर्स बंद है, उनके उनके पासपोर्ट इनके पास नहीं है, ऊपर से उन पे पैसे लिए गए हैं। तो एक जन ने पता किया तो मालूम पड़ा कि अकाउंट अभी भी चालू है, उसको तुरंत सीज कराने के डायरेक्शंस मैंने सीपी को बोल के करवाए हैं। वो दुकान का पंचनामा करके, वो उस ऑफिस का पंचनामा करके जल्दी ही उसका शटर खोल के चेक करते हैं कि किसी के पासपोर्ट अगर है, और इन लोगों को उनके पासपोर्ट मिल जाए तो वो प्रयत्न हो रहे हैं। और इनकी FIR अभी आप अंदर आएंगे तो देखेंगे, मैंने फोन किया था तो FIR का प्रोसीजर भी चालू। मैडम, इनका कहना है कि 2 दिन से पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं लेकिन पुलिस इनकी कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रही थी, क्या कहेंगे? इसीलिए आज वो मेरे पास आए थे कि पुलिस ने उनको जो चाहिए वो सहकार नहीं दिया। और हमेशा हम जनप्रतिनिधि को क्यों पुलिस स्टेशन आना पड़ता है, अगर प्रशासन उनको एक ही बार में न्याय दे दे तो हमें आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। के नाम में कुछ लोगों का फ्रॉड हुआ है, लोगों को बाहर जॉब के लिए भेजता हो, इराक में, सीरिया में ऐसे काम के लिए भेजता हो, ऐसा करके लोगों से पैसा लिया है। और कल परसों लोगों को कोई टिकट भी भेजा था लेकिन आज उन्होंने देखा कल आज की वो ऑफिस बंद है, तो ये फ्रॉड दिख रहा है, इसके बारे में FIR दर्ज करना चालू है और जो जो लोग आएंगे उनका सबका हम स्टेटमेंट ले। पासपोर्ट मिलेंगे उनको, ऑफिस इधर है, हम पंचनामा करेंगे, अगर उधर है और नहीं है तो भी तपास में उनके पासपोर्ट मिल जाए। सर, अभी मैडम ने अमदार मैडम ने कहा है कि उनको रहने की व्यवस्था के बारे में आपसे कुछ बातचीत हुई है, तो किस तरह से उनके रहने की व्यवस्था भी, जो मतलब कई जगह राज्यों से आए हुए हैं? ठीक है, हम देखते हैं, अभी तक हमारा FIR और भी टाइम है, वो जो काम करेंगे जब तक रात को तक क्या हल निकलता है, नहीं तो कॉर्पोरेशन के इधर संस्था से बात करेंगे, उनके रहने के लिए हम हेल्प करेंगे।